न अमृतपाल को नया हुलिया बचा पाएगा, न नई लोकेशन पर अमृतपाल छिपा रह पाएगा, न उसकी चालाकी काम आएगी, न कोई साथी काम आएगा। ये तय है, अमृतपाल का खेल खत्म होने वाला है। मगर बड़ा सवाल यह है कि अमृतपाल तक पहले कौन पहुंचेगा, पंजाब पुलिस या फिर आईएसआई? आपने एक कहावत सुनी होगी, स्याना कौवा कुछ खाता है, मगर क्या खाता है बताने की जरूरत नहीं है। अमृतपाल पर अब तक स्याना कौवा बनने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उसकी सारी चालाकियां धरी रहने वाली हैं, क्योंकि अब उसके पीछे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं, तो दूसरी ओर उसे ही पालने वाले उसके दुश्मन बन गए हैं। अमृतपाल की फाइनल लोकेशन पुलिस को मिल गई है, जल्द ही उसे लेकर बड़ी खबर आ सकती है। और जैसे ही पंजाब पुलिस अमृतपाल के बिल्कुल करीब पहुंची, आईएसआई ने अपना नया पैंतरा चल दिया। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस अमृतपाल को जिंदा पकड़ना चाहती है, जबकि पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के गुर्गे नहीं चाहते कि अमृतपाल पंजाब पुलिस के हाथ लगे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के K2 डेस्क ने ही अमृतपाल को पंजाब में प्लांट किया था, ताकि माहौल को खराब किया जा सके। लेकिन समय रहते ही अमृतपाल के नापाक मंसूबे सबके सामने आ गए, लिहाजा अब आईएसआई को ये लगने लगा है कि अमृतपाल उनके लिए डेड एसेट बन चुका है। ऐसे में सूत्रों की माने तो अमृतपाल को लेकर आईएसआई अब अपने प्लान बी पर काम कर रही है, यानी वो अमृतपाल को नुकसान पहुंचाकर पंजाब का माहौल खराब करने की कवायद कर सकती है। आईएसआई ने जिसे वजीर समझा, वो अमृतपाल प्यादा निकल गया। इसीलिए आईएसआई के लिए अमृतपाल की वैल्यू खत्म हो चुकी है। आईएसआई का हिडन एजेंडा एक्सपोज हो चुका है और अब प्लानिंग बेकार हो गई है, तो आईएसआई ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई चाहता है कि अमृतपाल पर ऐसा हंगामा हो जिससे शतरंज का पूरा गेम ही बदल जाए और जो पंजाब कंट्रोल हो चुका है वो फिर से रिकंट्रोल हो जाए। फरारी के दौरान अमृतपाल ने जितने भी वीडियो जारी किए, उससे ये साबित हो रहा है कि अब तक उसके पीछे जो आका खड़े हैं, उन्होंने उसे लात मार दी है। खुद अमृतपाल की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो सरेंडर का माहौल बना रहा है। अमृतपाल की ट्रेसिंग में सेंट्रल एजेंसियां एकदम एक्टिव हैं। हमारे सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस अधिकारियों को अमृतपाल से जुड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन अधिकारियों और अमृतपाल के बीच में जो भी हर्डल है उसे हैंडल किया जा रहा है और कोशिश यही है कि किसी तरीके से अमृतपाल हाथ लगे। अब सवाल यह है कि अमृतपाल को लेकर आईएसआई का बी प्लान क्या है? कैसे अमृतपाल को आईएसआई दामाद की तरह नहीं पालना चाहता, ये आपको बताएंगे। मगर पहले ये समझिए कि अमृतपाल भारतीय एजेंसियों तक पहुंच गया तो क्या क्या मिलेगा। अमृतपाल किसके कहने पर दुबई से इंडिया आया, इसका खुलासा हो सकता है। एक मामूली ड्राइवर भारत आकर लाव लश्कर के साथ घूमता है और अपनी इनकम का सोर्स नहीं बताता, तो ऐसे में उसकी फंडिंग का सोर्स पता चल सकता है। अमृतपाल को पंजाब में अशांति फैलाने के लिए किसने चुना, ये नाम भी क्लियर हो सकता है। जिस मात्रा में हथियार उसे प्रोवाइड कराए गए, वो कहां से आए और किसके जरिए भेजे गए, ये भी पता चल सकता है। ड्रग्स के नेटवर्क से अमृतपाल को किसने जोड़ा, उन ड्रग्स माफियाओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो एंटी इंडिया काम कर रहे हैं और कहां बैठकर कर रहे हैं, ये सीक्रेट भी ओपन हो सकता है। विदेशों में भारत के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन का लिंकअप किससे है और किसके इशारे पर हो रहा है, ये खुलासे भी अमृतपाल के पकड़े जाने पर हो सकते हैं। इसीलिए भारतीय एजेंसियां अमृतपाल को जिंदा पकड़ना चाहती हैं, जिसके बिना पर पंजाब का फ्यूचर सुरक्षित हो जाएगा और आईएसआई उसे अपने लिए डेड एसेट मानती है, ताकि उसका भारत विरोधी ब्लूप्रिंट आउट न हो जाए। ऐसे में आईएसआई ने एक तीर से दो कमान चलाने का प्लान बनाया है।
होशियारपुर के आसपास अभी भी पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश में जुटी है। 28 मार्च की रात से पंजाब पुलिस अमृतपाल उसके साथी पप्पलप्रीत को ट्रेस कर रही है और अभी भी पंजाब पुलिस को लगता है कि होशियारपुर के आसपास, चाहे वो नवांशहर हो, फगवाड़ा हो या जलंधर हो, उसके आसपास जो अमृतपाल कहीं छुपा हो सकता है। इसलिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, नाकेबंदी की गई है और आप देखिए इस वक्त मैं फगवाड़ा और होशियारपुर रोड पर हूँ जहाँ पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाए हुए है। हर आने जाने वाले वाहन और संदिग्ध वाहनों की जो तलाशी है वो ली जा रही है। 15 दिन पहले जब अमृतपाल फरार हुआ तो उसके बाद से अलग अलग लोकेशन से अलग अलग लुक में उसकी तस्वीरें सामने आई, मगर जो बात इस वीडियो में नहीं बताई गई वो है इसका ISI कनेक्शन। दरअसल फरारी के दौरान अमृतपाल जहां जहां गया और जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, सूत्रों के मुताबिक उसे पहले से ISI ने फिक्स कर रखा था। अमृतपाल को कौन पैसे देगा, कौन गाड़ी देगा, कौन वीडियो रिकॉर्ड करेगा, इसका प्लान ISI से जुड़े लोगों ने बनाया था और इसके लिए बकायदा ISI ने 3 ग्रुप बनाए थे। पहले ग्रुप ने अमृतपाल को छिपने के लिए जगह मुहैया कराई, दूसरे ग्रुप के पास अमृतपाल को गाड़ियां उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थी और तीसरा ग्रुप अमृतपाल को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था। एक और विंग तैयार की गई थी जिसका काम अमृतपाल की सोशल मीडिया को हैंडल करना था और उसी नेटवर्क को तोड़ने का काम 4 जिलों की पुलिस पिछले कई घंटों से कर रही है। अमृतसर, होशियारपुर, भटिंडा और जालंधर में पंजाब की तमाम यूनिट्स लगा दी गई हैं और करीब 10,000 पुलिस वाले अमृतपाल की खोज में जुटे हैं। सूत्रों का दावा है कि अमृतपाल के अब तक के वीडियो बनाने वाला पप्पलप्रीत उससे अलग हो चुका है। दोनों फिरोजपुर से खेतों के रास्ते भागते हुए अलग अलग रूट पर निकले और फिर इसके बाद अलग अलग ठिकानों पर छिप गए। पप्पलप्रीत ही वो शख्स है जिसने दुबई से पंजाब पहुंचे अमृतपाल को अमृतपाल बनाया और उसी की मौजूदगी में पोस्टर बॉय अमृतपाल भगोड़ा हो गया। यानी अब पप्पलप्रीत अमृतपाल का वो खास मोहरा है जो साये की तरह उसके साथ रहा है। फरारी के समय भी वो लगातार अमृतपाल की मदद करता रहा है। लॉजिस्टिक से लेकर अमृतपाल को कहाँ छिपना है, कहाँ जाना है, इसके पीछे का जो दिमाग था वो पप्पलप्रीत का रहा है। और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों का ये मानना है कि अगर पप्पलप्रीत पर शिकंजा कसने में कामयाबी मिल जाती है तो अमृतपाल ज्यादा दिन तक पुलिस से बच नहीं सकता। 29 मार्च के इस वीडियो में जिस शख्स को देखा जा सकता है उसका नाम पप्पलप्रीत बताया जा रहा है। दावा है कि होशियारपुर के एक डेरे में इसे अकेला देखा गया, तब से इसके साथ अमृतपाल नहीं था। पप्पलप्रीत को भी पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि अमृतपाल का साथी जोगा सिंह लुधियाना में पकड़ा जा चुका है। इनोवा कार का ड्राइवर चरणजीत सिंह भी जालंधर से गिरफ्तार हो चुका है। ये गुरुद्वारा तपोवन साहिब है और यहीं से पप्पलप्रीत, जो कि अमृतपाल का साथी है और साय की तरफ के साथ 18 मार्च से लगातार है, उसकी CCTV फुटेज आई है और जो CCTV तस्वीरें हैं उनमें आप देखेंगे कि पप्पलप्रीत यहां पर इसी तरीके से टहलता हुआ नजर आ रहा है। और ये वही गुरुद्वारा साहब है, वही डेरा है जहां से पप्पलप्रीत की तस्वीरें सामने, और आप सामने देखेंगे एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, इसी CCTV कैमरा से वो तस्वीरें कैद हुई हैं जिसमें दिखाई देता है कि पप्पलप्रीत पहली बार अकेला है, अमृतपाल उसके पास नहीं है। बताया जाता है कि 28 मार्च को जब पंजाब पुलिस ने उसको घेरा था यहीं से थोड़ी दूर गांव है मनराइया, उसके बाद पप्पलप्रीत और जोगा सिंह यहां पर पहुंचे थे और यहीं रुके थे। सूत्रों का यह भी दावा है कि अमृतपाल सिंह और पप्पलप्रीत सिंह ISI के इशारे पर ही पंजाब से नेपाल बॉर्डर तक पहुंचा था और जब वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया तो ISI के कहने पर वापस पंजाब आ गया। इसी के बाद बॉर्डर पर ISI की स्लीपर सेल एक्टिव होने के इनपुट मिल रहे हैं। खुफिया इनपुट के मुताबिक ISI ने पाकिस्तान से सटे पंजाब के फजिलका, फिरोजपुर, तरन तारन, गुरदासपुर, अमृतसर और अजनाला के इलाकों में अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया है। हो सकता है इन गुर्गों के जरिए ISI उसे बी प्लान को अंजाम दे जो उसने बनाया है, यानी अमृतपाल के जरिए
माहौल बनाने की कोशिश, जिसे सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से फेल करना चाहती हैं। 28 मार्च के इस वीडियो में जिस जोगा सिंह को पकड़ा गया, उसने अमृतपाल को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जोगा सिंह ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि अमृतपाल और पपलप्रीत के पास करीब 40,000 रुपए थे। अमृतपाल को ये पैसे किसने दिए और कहां से आए, जोगा सिंह ने यह खुलकर नहीं बताया। आईएसआई का डर है, जिन खातों के जरिए अमृतपाल को पैसे पहुंचते थे, अगर उसका मेन सोर्स भारतीय जांच एजेंसियों को पता लग जाए तो उनकी साजिश के अगले स्टेप को नाकाम होते देर नहीं लगेगी। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को ऐसा इनपुट मिला है कि वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल का कनेक्शन आईएसआई के साथ भी था। अवतार सिंह खंडा, जो कि यूके बेस्ड खालिस्तानी आतंकी है, उसके कहने पर अमृतपाल पंजाब आया था और माना जा रहा है कि आईएसआई के माध्यम से ये फंडिंग अमृतपाल को की जा रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि पंजाब के अलग अलग जिलों में करीब 128 ऐसे खाते मिले हैं जिनमें करोड़ों रुपया भेजा गया था। अब इन खातों की जांच चल रही है, पुलिस खंगालने में जुटी है, केंद्रीय जांच एजेंसियां जानने में जुटी हैं कि यह खाते किसने खुलवाए, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे और इनमें कितना पैसा निकाला जा चुका है। जिस कार से अमृतपाल फगवाड़ा से होशियारपुर की तरफ जा रहा था, उसे इंटेलिजेंस की टीम ने बरामद कर लिया है और उम्मीद है अमृतपाल भी जल्द पकड़ा जाएगा, जो आईएसआई के सारे प्लान की पोल खोल देगा। होशियारपुर से मनोज कुमार और अमृतसर से अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और देखिए, अमृतपाल पर चौतरफा सख्त एक्शन लिया जा रहा है। पंजाब से लेकर पाकिस्तान और दुबई तक उसके सारे कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि अमृतपाल अब अकेला हो गया और वो ज्यादा दिनों तक अकेले भाग नहीं सकता। कैसे अमृतपाल की एंटी इंडिया नैरेटिव सोच को एक्सपोज किया गया और कैसे उसके सारे प्लान एक के बाद एक फेल होते गए, वो इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। पंजाब में अगर अमृतपाल को तलाशा जा रहा है तो दुबई में उसके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। अमृतपाल और आईएसआई के लिंक की एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। दुबई में अमृतपाल किन लोगों से मिलता था, किसके साथ बैठकर वो अपने वीडियो बनाता था और दुबई में उसका ठिकाना क्या था, ये सब जांच एजेंसियों की जांच का विषय है। इंडिया आने से पहले मॉडर्न लुक रखने वाला, किसी मॉडल की तरह स्पाइक कट हेयर स्टाइल रखने वाला अमृतपाल अचानक अपना हुलिया कैसे बदलता है और किसके कहने पर बदला, वो लिंक भी अब खंगाला जा रहा है, क्योंकि आज के अमृतपाल और दुबई के अमृतपाल की तस्वीरों में बहुत फर्क दिख रहा है। अमृतपाल के इस कनेक्शन की जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसकी जुबान से निकले हर शब्द में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर होता है और यही शब्द अब देश की सियासत में अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमृतपाल सिंह बोल रहा है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते तो मैं क्यों नहीं बात करूं खालिस्तान की। ये कितनी सटीक बात उसने कही है, ये बहुत खतरनाक बात है देश के लिए। आज तक हिस्ट्री में पहली बार कोई बोला है हिंदू राष्ट्र की बात करते तो मैं क्यों नहीं करूं। कल दक्षिण के राज्य बोलने लग जाएंगे। दक्षिण के राज्य में 40-50 साल पहले ऐसी आवाज उठी थी, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। हमें चिंता करनी चाहिए मुल्क के भविष्य के बारे में। अमृतपाल का मकसद क्या था, ये पूरा हिंदुस्तान जान चुका है और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उसके पीछे आईएसआई का पूरा तंत्र किस तरह काम कर रहा था। क्योंकि जब खालसा पंथ का समर्थक दीप सिद्धू किसान आंदोलन में हाईलाइट हुआ, तो अमृतपाल ने सोशल मीडिया के जरिए दीप सिद्धू से कनेक्ट करने की कोशिश की। दावा किया जाता है कि अमृतपाल ने ऐसा किसी के कहने पर किया था और इसके लिए बकायदा प्लान भी बनाया गया था। हमने जांच की तो पता चला कि दीप सिद्धू पहले से अमृतपाल को नहीं जानता था। दीप सिद्धू ने अमृतपाल से कभी मुलाकात नहीं की थी, मगर सोशल मीडिया के जरिए अमृतपाल ने दीप सिद्धू से संपर्क किया, तो इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते दीप सिद्धू ने अमृतपाल का फोन नंबर तक ब्लॉक कर दिया। 2022 की जनवरी और फरवरी महीने में 15 दिन के लिए अमृतपाल दीप सिद्धू की ब्लैकलिस्ट में रहा।
सोशल मीडिया पर भी दीप सिद्धू ने अमृतपाल को ब्लॉक कर दिया था। और ये 2022 के शुरुआत की बात है जब दीप सिद्धू अमृतपाल को पसंद नहीं करता था। इस फरवरी महीने में अमृतपाल ने कई बार दीप सिद्धू से बात करनी चाहिए मगर उसके नंबर से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और फिर इसी फरवरी महीने की 15 तारीख को दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद अमृतपाल वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया बन गया मगर उसका चयन हुआ फेसबुक के जरिए। This was collective decision from 5 members committee and 16 members, committee. We had many meetings before this decision, and then we came to this conclusion, and they approved my name for this leadership role. हमारी जांच में अमृतपाल को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। वो ये है कि वारिस पंजाब दे का हेड बनने से पहले अमृतपाल न तो किसानों की समस्याएं जानता था और न ही पंजाब की बुनियादी जरूरतों की उसे जानकारी थी। वारिस पंजाब दे के लिए अमृतपाल ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए उसे शोहरत मिली हो और न ही इस संगठन से जुड़ने के लिए वो भारत आया था। मगर फिर भी अमृतपाल को इस संगठन का हेड चुना गया और सूत्रों का कहना है कि अमृतपाल का ये सिलेक्शन किसी के इशारे पर हुआ था। तभी दीप सिद्धू की मौत का आरोप बिना जांच के नतीजों पर पहुंचे भारत सरकार पर लगाता है। वो कौम तो बिछड़ गए, शहीदी पा गए, हिंदुस्तान की हुकूमत ने बड़े धोखे नाल उन्होंने शहीद कर दिता है, जिन्हों एक एक्सीडेंट की शक्ल जी दी गई बाद चो। एक साल बीतण हो गया तो उन्होंने पहली बरसी पूरे संसार के जोड़े सिख ने उन्होंने प्रेम करने वाले ज आज़ादी प्रेम करने वाले जोड़े सिख राज की गल करने वाले उन्होंने मनानी है। ये अमृतपाल का लिंक्डइन प्रोफाइल है जिस पर बिग एंड बोल्ड लिखा है अमृतपाल सिंह ऑपरेशनल मैनेजर संधू कार्गो एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब ये कि संधू ट्रांसपोर्ट जो कि इसका पारिवारिक बिजनेस है उसे ये संभालता था। अमृतपाल के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। ये पंजाब के प्रतिष्ठित स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई कर चुका है। इसके बाद दुबई पहुंच गया जहां कहने के लिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था लेकिन असल में ये दुबई में बैठकर भी पंजाब के लोगों को भड़काने की स्क्रिप्ट लिखता था, यूट्यूब पर भड़काऊ वीडियो अपलोड करता था, दुबई में बैठकर पंजाब के लोगों को भड़काने की कोशिश करता था, सरकार से लेकर सेना सब पर सवाल उठाता था। और फिर अर्जनाला में जो इसने कांड किया उसके बाद ये रडार पर आ गया। शुरुआत में गिरफ्तारी से बचने के लिए अमृतपाल ने हर वो हथकंडा अपनाया जो आईएसआई के दिशा निर्देश होते थे मगर अब हकीकत सामने आ गई है और इसीलिए अमृतपाल फिलहाल भागा भागा फिर रहा है। आगे आगे अमृतपाल है और उसके पीछे पीछे पुलिस। होशियारपुर से दुबई तक अमृतपाल की सारी स्क्रिप्ट अब लीक हो चुकी है। पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है, बाकायदा अर्धसैनिक बल काफी समय से पंजाब में बने हुए हैं और जगह जगह नाकेबंदी जो की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पंजाब पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी बनी हुई है। और हम देख रहे हैं कि लगातार आज चौथा दिन है जब पंजाब पुलिस होशियारपुर और इसके आसपास सर्च कर रही है, तमाम जो डेरे हैं उनमें सर्च की जा रही है, उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। होशियारपुर की तरफ आने वाले और इधर से जाने वाले जितने भी रास्ते हैं हर जगह बैरिकेडिंग है, नाकेबंदी है, व्हीकल्स की जो चेकिंग है वो की जा रही है। इस वक्त हम आपको होशियारपुर से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अमृतपाल की तलाश अभी भी जारी है, 15वां दिन है आज, बीते 14 दिन से लगातार इसी तरीके से पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है लेकिन अभी भी पंजाब पुलिस की पकड़ से अमृतपाल बाहर है।